हम सब जानते हैं कि वर्ष 2015 के जून महीने में इराक में हमारे 39 भारतीय ISIS के द्वारा बंधक बना दिए गए थे। इस विषय पर बहुत बार सदन में चर्चा हुई। पिछली चर्चा राज्यसभा में 27 जुलाई को हुई थी, 27 जुलाई 2017 को आदरणीय बाजवा जी ने शून्यकाल में ये विषय उठाया था और अगले दिन मैं अपनी ओर से जवाब देने के लिए सदन में आई थी। उस समय जो मैंने कहा था मैं पढ़ना चाहूँगी। मैंने कहा था कि जब तक मेरे पास कोई सबूत उनके मारे जाने का नहीं है, मैं उन्हें डेड डिक्लेयर नहीं करूँगी, मैं उनको मृत घोषित नहीं करूँगी। उपसभापति जी, उस समय कुरियन जी पीठ पर थे, बिना सबूत के किसी को कह देना कि वो मर गया, ये व्यक्तिगत तौर पर पाप है और सरकार के लिए गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए ना तो मैं गैर जिम्मेदाराना काम करूँगी और ना ही मैं पाप करूँगी। लेकिन जिस दिन एक भी सबूत मिल गया और पक्का सबूत मिल गया, तो बिना देरी किए अगर संसद का सत्र चल रहा होगा तो चेयर से अनुमति मांगकर कार्यवाही रुकवा कर यहाँ जानकारी दूंगी, और अगर सत्र नहीं चल रहा होगा तो 10 मिनट के अंदर ट्विटर पर सारे देश को जानकारी दे दूंगी। आज मैं अपनी वही वचन पूर्ति करने के लिए आई हूँ। आज मेरे पास दोनों बातों के पक्के सबूत हैं। पहला कि हरजीत मसीह की कहानी सच्ची नहीं थी, और दूसरा भारी मन से कह रही हूँ वो लोग मार दिए गए हैं। और दोनों का सबूत आपके सामने रखना चाहूँगी। हरजीत मसीह सच नहीं बोल रहा था, इसका सबूत ये है कि पिछली बार जब जनरल वीके सिंह इराक उन्हें खोजने के लिए गए तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप कंपनी के मालिक से मिलना मोसुल जाकर, वहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। और उन्होंने अपनी यात्रा मोसुल से ही शुरू की और कंपनी के मालिक से जब बात की तो उसने पूरी कहानी बताई कि मेरे यहाँ 40 हिंदुस्तानी काम करते थे, कुछ बांग्लादेशी काम करते थे। जब ISIS ने मोसुल को कब्जा करना शुरू किया तो हमने सबसे कहा, मेरे यहाँ जितने लोग काम करते थे, कि आप लोग निकल जाओ। सबसे पहले इराकी नागरिक निकले, उसके बाद बाकी नेशनैलिटीज़ के नागरिक निकले, लेकिन ये हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी नहीं निकले। उसके बाद उसने एक केटरर को बुलाया जो उनको खाना खिलाता था, और उस केटरर ने आकर के कहा कि एक दिन जब ये बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी मेरे यहाँ खाना खाने आ रहे थे तो ISIS के लोगों ने इन्हें देख लिया और कहा कि तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने बताया कि ये इंडियंस हैं, हम बांग्लादेशी हैं। तो उन्होंने कहा ये यहाँ नहीं रहेंगे, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री पे जहाँ उनका कब्जा था, कि इनको टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले जाओ। तो वो उनको सबको टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को अलग रख दो, हिंदुस्तानियों को अलग रख दो। दोनों को अलग अलग रख दिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को एरबिल छोड़ाओ। तो वो केटरर बोला कि यह जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी और मैं अपनी वैन में बिठा कर उनको एरबिल ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस रात हरजीत ने क्या जुगाड़ किया ये उसे मालूम है, मेरा जो अनुमान है वो भी मैं आपको बता दूंगी। कि उसने कंपनी के मालिक को ये कहा कि हरजीत मसीह को मुस्लिम नाम देकर बांग्लादेशियों के साथ निकाल दो। तो कंपनी का मालिक कहता है कि मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि मैं अली बोल रहा हूँ। तो उसने कहा मेरे यहाँ तो अली नाम का लड़का कोई काम ही नहीं करता। तो उसने कहा नहीं, मैं वो हूँ जिसको बांग्लादेशियों के साथ निकालना है। तो उसने कहा अच्छा अच्छा। तो केटरर ये कह रहा है कि मैं बांग्लादेशियों के साथ अली बनाकर हरजीत मसीह को एरबिल छोड़कर आया। और सभापति जी, एरबिल के नाते से ही हरजीत का मुझे फ़ोन आया। पहली बात उसकी मुझसे जब हुई तो मैंने उससे ये कहा कि तुम यहाँ पहुँचे कैसे, पंजाबी में वो बात कर रहा था। तो मैंने कहा तुझे कितना पहुँचे थे। मैनू नहीं जी पता, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है आपको नहीं पता, आप बात कर रहे हैं मुझसे, एरबिल से बात कर रहे हैं, आप ये तो बताइए। नहीं आंटी जी, तुसी मैंने कड लो, मतलब आप मुझे निकाल दो। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें ज़रूर निकालूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ तुम यहाँ पहुँचे कैसे, तो कितना पहुँचा। नहीं जी ये मैंने नहीं पता। तीन चार बार मैंने पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। और बाद में उसने ये कहानी घड़ी कि हम तो जंगल में, हमको ले जाया गया सबको, एक कतार में खड़ा कर दिया, 39 लोगों के सिर में गोली लगी, मेरे ही पाँव में गोली लगी, इसलिए मैं तो चला आया और वो 39 लोग मारे गए। ये सारी कॉक एंड बुल स्टोरी थी, लेकिन हरजीत मसीह की कहानी सच नहीं थी। वो अली बन के पहले ही निकल गया था उस केटरर के वैन में बैठकर। ये तो हरजीत की कहानी।
अब जब उन्होंने बताया कि उसके अगले दिन आईएसएस वालों ने देखा कि 40 लोग नहीं है, वो रोज रात को गिनती करके सोते थे, ये तो 39 हैं, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि ये यहाँ रखना इनको ठीक नहीं है। तो उन्होंने आईएसएस के अपने कमांडर से कहा कि आप इनको बदूश ले जाओ। कंपनी का मालिक कहता, उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि बदूश में एक प्रिजन भी है जहाँ आईएसएस के लोग थे, उन्होंने उसे जेल में रखा या मार डाला, उसने कहा उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं। लेकिन उससे सूत्र पकड़कर फिर जनरल साहब, हमारे वहाँ के राजदूत प्रदीप राजपुरोहित और इराक सरकार ने एक अधिकारी साथ दे रखा था, क्योंकि जिस दिन मैं सदन में बोली थी उस दिन इराक के विदेश मंत्री यहीं थे, और उनसे द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मैंने ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि जनरल साहब इस बार जब आएँ तो इराक सरकार का कोई व्यक्ति साथ हो ताकि उनको खोजने में आसानी हो। तो उन्होंने कहा था आप बिल्कुल भेजिए, हम अधिकारी देंगे। तो ये तीन जने, जनरल वी के सिंह, हमारे राजदूत और इराक का अधिकारी, ये तीनों बदूश के लिए निकले, क्योंकि संपर्क ये था कि बदूश में वहाँ ले गए। और वहाँ जब ये सारा घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ, तो वहाँ उन्हें एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ एक माउंड है दूर गांव में, वहाँ लगता है बहुत लोगों को एक साथ दफनाया गया है, आप एक बार वहाँ जाकर देखिए। अब ये जब माउंड पे गए तो माउंड पे तो कुछ बाहर से दिखता नहीं था, तो इन्होंने इराकी अथॉरिटीज़ को कॉन्टेक्ट करके ये कहा कि मुझे डीप पेनिट्रेशन रडार चाहिए, डीप पेनिट्रेशन रडार से नीचे तक जाकर देखो कि नीचे क्या है। डीप पेनिट्रेशन रडार से दिखाई पड़ा कि नीचे बॉडीज हैं। तो जनरल साहब ने कहा इराक की अथॉरिटीज़ को कि इसको खुदवाइए और बॉडीज एक्ज्यूम कराइए। सभापति जी, पूरे का पूरा माउंट खुदवाया गया, बॉडीज एक्ज्यूम कराई गई, और उस बॉडीज में से दो निशान ऐसे मिले, एक तो लंबे बाल मिले, एक कड़ा मिला, और कुछ आईडी कार्ड्स मिले, कुछ जूते ऐसे मिले जो कि इराकी जूते नहीं थे। सारे बॉडीज एक्ज्यूम कराई गई और वो सारे के सारे मॉर्टल रिमेन्स जो उस माउंट में से निकले वो बगदाद भेजे गए। इससे पहले, चूँकि मोसुल के कब्जा मुक्त होने के बाद से 20-22 दिन तक किसी का कोई फ़ोन नहीं आया था, तो उनके ज़िंदा रहने की उम्मीद कम होती जा रही थी, और मृतक शरीरों में हम लोगों को ढूंढ रहे थे। तो जो मास ग्रेव्स थी, वो एक मॉर्चुरी फाउंडेशन, वहाँ मार्टियस फाउंडेशन है जिसका विश्लेषण वो मास ग्रेव्स का कर रही थी, तो हमने उनको संपर्क किया था और कहा था कि आप हमारे लोग इसमें ढूंढ दो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डीएनए सैंपल ला दोगे, या तो डायरेक्ट उनके माँ बाप के या सगे बहन भाइयों के, तो हम ढूंढ देंगे। तो हमने सबके डीएनए सैंपल, चार राज्य सरकारें इन्वॉल्व थी, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और बिहार, चारों राज्य सरकारों से संपर्क करके सबके डीएनए सैंपल उनको भेज दिए थे। तो वो डीएनए सैंपल उनके पास थे। जब हमने ये बॉडीज भेजी बगदाद में, तो हमारे राजदूत से हमने उनसे अनुरोध करवाया कि आप इसको जरा प्राथमिकता पर कर दीजिए, हमें लगता है कि ये हमारे लोग हैं, क्योंकि जो बॉडीज जिस तरह की दिखी हैं, जिस तरह के चिन्ह मिले, आप इनको देख दीजिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मार्टियस फाउंडेशन के, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और उन्होंने जो हमने बॉडीज इस माउंड में से एक्ज्यूम करा के भेजी थी, उसका उन्होंने डीएनए टेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहला मैच किया संदीप नाम के लड़के का। जैसे उन्होंने खबर दी कि संदीप का डीएनए, तो हमें ये पता चल गया, क्योंकि बॉडीज भी पूरी 39 थी, ये भी एक चिन्ह था, उसमें से बॉडीज भी पूरी 39 निकली थी। उसके बाद एक के बाद एक डीएनए होता चला गया, राजदूत खबर देते रहे, आज 5 हो गए हैं, आज 8 हो गए हैं, आज 10 हो गए हैं, लेकिन कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का डीएनए मैच हो गया है, और 39वें का डीएनए 70% मैच हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है। तो डायरेक्टली माँ बाप का सैंपल नहीं है, क्लोज रिलेटिव का सैंपल है, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि प्रोसेस इज अंडर वे, हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे, दोबारा देखेंगे, क्योंकि वो डीएनए बोन से निकाल रहे, हड्डी से निकाल रहे, बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन आज वो 1:30 बजे, हिंदुस्तान के 1:30 बजे, वहाँ से मार्टियस फाउंडेशन की हेड स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताएंगी कि जो बॉडीज भारत सरकार द्वारा हमें दी गई थी 39, उसमें से 38 के डीएनए मैच कर गए हैं, और उन्होंने क्या डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया अपनाई है, इसका भी पूरा ब्यौरा वो वहाँ देंगी, और 39वें का अंडर प्रोसेस है। तो जो बात मैंने कही थी कि दोनों के पक्के सबूत हैं, यानी हरजीत मसीह अली बनकर निकला, इसका सबूत कंपनी का मालिक दे रहा है जहाँ वो काम करता था, और वो मारे गए हैं, डीएनए मैचिंग से बड़ा सबूत इसका नहीं हो सकता। लेकिन सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये काम बहुत जटिल था, बहुत ज़्यादा दुर्गम था,
बहुत ही कठिन था। इसमें बहुत बाधाएं थी। इतना बड़ा देश, बियाबान, रेगिस्तान, इतना बर्बर आतंकी संगठन कि जब मोसुल मुक्त हुआ तो केवल लाशों के ढेर थे। इतने मृतकों में से अपने लोगों को ढूंढना, मैं इसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपनी तरफ से जनरल वी के सिंह का। वो इतने तारीफ के काबिल हैं, मैं जितनी तारीफ उनकी करूं उतनी कम है। उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया, सारी कठिनाइयों को झेला। जिस दिन बदूश गए उस दिन रात को एक किसी गांव के एक छोटे कमरे में वो ज़मीन पर तीन लोग सोए हैं, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वो अंत तक पहुँचे। और जो बात मैंने यहाँ कह दी थी कि बिना सबूत के मृत घोषित नहीं करूँगी, पक्का सबूत मिलेगा तो मृत घोषित करूँगी, वो वाकई वो सबूत खोज कर लाए। लेकिन उनके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इराक सरकार का, जिन्होंने हमारी बात मान करके अपना अधिकारी साथ दिया खोजने में, वरना मास ग्रेव्स में तलाशते रहते। अपना माउंड उन्होंने, और कौन करता है सभापति जी, डीप पेनिट्रेशन रडार से पहले नीचे जाकर के देखना, फिर पूरे का पूरा गड्ढा, पूरे का पूरा माउंट खुदवाना, फिर बॉडीज एक्ज्यूम करानी, फिर उनको बगदाद ले जाना और वहाँ फिर परीक्षण करना। और तीसरा आभार मैं करना चाहूँगी मार्टियस फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को केवल स्वीकार ही नहीं किया। ये बात 27 जुलाई की है और आज वो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने वाले हैं कि हमारा ये DNA मैच कर गया है। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने 3 वर्षों तक बहुत धीरज से इस तलाश को जारी रखवाया और कभी मेरा हौसला पस्त नहीं होने दिया। हमेशा ये कहा कि तुम इस तलाश को जारी रखो। मैं अब ये कहना चाहूँगी कि हमने अपने राजदूत को कह दिया है कि वहाँ वो तैयारी करे। हम केवल घोषणा तक नहीं रुक रहे हैं। जनरल वीके सिंह जहाज लेकर यहाँ से इराक जाएंगे, उनके पार्थिव शरीर कॉफिन्स में पूरे सर्टिफिकेट के साथ, केवल उनके नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ नहीं, मार्टियस फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के साथ कि इनका DNA फला से मैच हुआ है, ताकि ये वही व्यक्ति है, उनके जहाज में उनके पार्थिव शरीर लेकर आएंगे। जहाज पहले अमृतसर उतरेगा, 31 लोग उसमें पंजाब के और 4 हिमाचल के, उनको हम वहाँ बॉडीज देंगे। फिर पटना जाएंगे उसी जहाज को लेके, जो बिहार के लोग हैं उनके पार्थिव शरीर वहाँ के परिवारजन को सौंपेंगे। वहाँ से कलकत्ता जाएंगे और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको सौंपेंगे। कहते हैं सभापति जी, मरे का सब्र आ जाता है, खोए हुए का सब्र नहीं आता। अगर ये खोए हुए रहते, मिसिंग कैटेगरी में रहते जो आज तक थे, तब तक एक आस बंधी रहती, क्लोजर नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था कि मैं पक्के सबूत के साथ क्लोजर करूँगी। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम उनके परिवारजन को उनके बच्चों की अस्थियाँ, उनके पार्थिव शरीर दे देंगे, तो भले ही रोध होकर सही, लेकिन वो क्लोजर कर देंगे। मैं चाहूँगी कि आज ये सदन उन सब के प्रति मौन रहकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे और उन परिवार को सांत्वना दे जिन परिवार वालों के बच्चे 3 साल बाद भले ही जीवित नहीं, लेकिन कम से कम उनके पार्थिव शरीर उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत